जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। हालांकि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया था, उनमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां थीं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति को काम सौंपा गया था भारत के संविधान के प्रारूप को, भारत के संविधान के स्वरूप को तैयार करने का, उसका प्रारूप और स्वरूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई प्रारूप समिति को, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त, हमने आपको बताया है कि खेल दिवस हमने पढ़ा था मेजर ध्यानचंद के नाम पे, तो यहाँ 29 अगस्त को गठित होगी 1947 को, और बाबा साहब अंबेडकर खेला करेंगे, खेल दिवस के दिन गठित हुई थी। हालांकि ये खेल दिवस बहुत बाद में आया, इसका कोई युक्तियुक्त कहते हैं संबंध नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम याद कर लेंगे 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसका नाम था प्रारूप समिति। अब आते हैं मुद्दे पे कि हमें सदस्यों के नाम याद करना है, जो बार बार मिस करते हैं, तो पूरे नाम तो याद होना मुश्किल है, लेकिन अगर हम कहते हैं उनके पीछे के नामों को याद कर लेंगे तो हमें याद करने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम पढ़ेंगे आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान। बाबा साहब अंबेडकर के साथ आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान। यहाँ आयंगर हैं, अय्यर हैं, मुंशी हैं, मित्तल हैं, खेतान हैं। आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान। बाबा साहब अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान, ये सैयद की शादी में गए, सैयद की शादी में मिलकर गए, तो ये सातवें सदस्य भी आ जाएंगे। सैयद, बाबा साहब अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान सैयद की शादी में गए, तो ये सातों सदस्य आ जाएंगे। आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान सैयद की शादी में गए, साथ में मिलके, तो ये सातों के साथ साथ में गए, तो सात सदस्य आ गए। लेकिन ध्यान रखना, आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान के अलावा एक चीज़ यहाँ पर और है, एक पैंच भी यहाँ पर है कि मित्तल जो थे वो स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे देंगे, और मित्तल के जाने पर माधव आते हैं, मित्तल के आने पर माधव आते हैं, और खेतान, डीपी खेतान, जो खेत हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन खेतान की जगह कृष्णमाचारी आते हैं। ये दो सदस्य प्रारूप समिति के बनने के बाद परिवर्तित होते हैं, एक तो माधव और एक कृष्णमाचारी। लेकिन ध्यान रखना, दोनों में भगवान कृष्ण की उपस्थिति रहेगी, भगवान कृष्ण की। मित्तल गए तो माधव आए, ध्यान रखना, माधव जो कि अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को भागवत गीता के उपदेश के दौरान बोला गया, जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को पार्थ कहते थे, तब अर्जुन प्रतिक्रिया में उन्हें माधव कहते थे, हे माधव। तो ध्यान रखना, मित्तल की जगह माधव आए और खेतान के खेत होने पर कृष्णाचारी आए। तो इस तरीके से हम संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के सात सदस्यों को और बाद में परिवर्तित दो सदस्यों को याद कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रारूप समिति में कहते हैं, जिस संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर का चयन, उनका निर्वाचन कहते हैं बंगाल राज्य से हुआ था, लेकिन भारत के विभाजन होने पर वो बंगाल राज्य पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का पुनः निर्वाचन हुआ और वो बंबई राज्य से चुने गए। ध्यान रखना, संविधान सभा में पहले बंगाल से चुने गए थे और भारत के विभाजन के बाद बंबई से चुने गए थे बाबा साहब अंबेडकर। एक बार फिर देख लेते हैं हम सदस्यों की उस नाम को, उस ट्रिक को जो हम बताना चाहते हैं। आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान। आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान। मित्तल चले गए तो माधव आ गए, और खेतान खेत हो गए तो कृष्णाचारी आ गए। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्तल, खेतान। मित्तल चले गए तो माधव आ गए, और खेतान खेत हो गए तो कृष्णाचारी आ गए। जय हिंद दोस्तों। संविधान की ऐसी जटिल समस्याओं को सरल तरीके से कहते हैं याद करने के लिए आप हमसे जुड़े।